I'm back. ये मतलब क्या वीडियो बना रहे हो बदतमीजी करने के लिए? 50,000 प्लस किलोमीटर चल चुकी है तू जूलियट चटनी दी। बात नहीं करूंगा, नहीं तो तुम नोट कर लोगे, यूट्यूब पे डाल लोगे भाई। नहीं बता गए थे। हाँ जी गए हो। सतनाम श्री वाहेगुरु। भाई सुबह क्या हो रहे हैं? 9:15 ऑफिस पहुंचना था, लेट ही हो गए। और साला दिल्ली ऐसा लगने लग गया कि जैसे कि न्यूयॉर्क है, दिल्ली न्यूयॉर्क जैसा ही है या न्यूयॉर्क दिल्ली जैसा। दोनों जगह पे हर समय कुछ ना कुछ तो कंस्ट्रक्शन या कुछ चलते रहता है। राइडर और कुत्ते का बहुत पुराना चाहत है। बाकी यार मैं ऑफिस के हो चुका हूँ लेट, ऑफिस के भी कुछ चंद दिन रह गए हैं। मतलब ऑफिस के क्या, ऑफिस जाने के लिए बताएंगे आराम से बैठ के। और पता क्या, लेट जाने में ना वहाँ एक हिंदुस्तान में कहावत भी है, सबसे पहले जाऊँगा तो आपके लिए वेलकम करने के लिए कोई नहीं रहेगा। तो वेलकम करने के लिए मैं थोड़े से लोग पहले थोड़ा लेट जाएंगे तो हमारे को लोग मिलेंगे, वेलकम करेंगे। बट ये ऑफिस में ऐसा सही नहीं रहता। एक डिज़ायर वर्ल्ड में कह सकते हैं कि हाँ कुछ ऐसा होता है, अच्छा लगता है। बट रियल वर्ल्ड में बातें सुनने को मिलती है और सीनियर से कि टाइम पे क्यों नहीं आ रहे। 1-2-5 मिनट अंकल जी, अंकल आंटी ऐसे रिएक्शन दे रहे थे। जैकेट तो पहन रखी है लेकिन ग्लव्स नहीं पहने, जल्दीबाजी में भूल गया ऑफिस के। लाइक ये दिन होते ना लास्ट इमोशनल कर देते हैं यार, क्योंकि इतने टाइम से ऑफिस जा रहा हूँ, 1 साल हो गया मेरे को इस ऑफिस में, एंड एकदम से सबको छोड़ना। और बहुत सारी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें आ रखी हैं। और मैं बताऊँगा कि मैं इतने टाइम कहाँ था। मैंने जैसे देखा है 8 महीने से मैं वीडियोस नहीं डाल रहा, और 8 महीना भाई एक चैनल के लिए और ऑनर के लिए बहुत बड़ी बात है कि वीडियोस नहीं डालना। यानी कि चैनल का एल्गोरिदम है वो कम होता है, वो होता है यार, उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। बट एक डिसिप्लिन जो था ना वो टूट गया और वो अच्छा नहीं लगता। और जब आप कुछ चीज़ कर रहे हो ना और उसमें रुक जाओ तो वो अच्छा नहीं लगता। और हमेशा काम ना पूरा ही करना चाहिए, काम पूरा ही करेंगे हम। बाकी यार बहुत दिनों बाद ऐसे मोटो ब्लॉग कर रहा हूँ, शायद मैं पहली बार ऑफिशियली ऑफिस जाते हुए मोटो ब्लॉग करूँगा। इससे पहले मैंने शायद मोटो ब्लॉग करा है बट उसमें ना वॉइस नहीं आई थी तो फिर वो मैंने डाली नहीं वीडियो। होता है क्योंकि वीडियो ऑडियो करप्ट हो जाती है, बहुत सारे इश्यूज आते रहते हैं। और बाय द वे मैंने यार इसके जो आगे के फॉग लैंप थे वो ठीक करवा लिए है ठीक। दूसरा इसका पता नहीं क्या हॉल में क्या दिक्कत है। भाई तुम्हारी गाड़ी प्रीत तो 50,000 प्लस किलोमीटर चल चुकी है। और हाँ गाइस, आप नहीं जानते मैं कौन हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं हूँ मुसाफिरों का मुसाफिर, यारों का यार। आप सभी का दिलदार आ गया ना अभी वीडियो लेके गाइस। एंड आप मतलब मेरा ना सनी अमरप्रीत, सारा नु सत श्रीकाल गाइस, प्यार भरी मेरे वालों। तो आप चलते हैं, वी आर गोइंग टू वर्ड्स आवर ऑफिस राइट नाउ। एंड जिन दोपरे सारे नु, जिन दोपरे नहीं पता तो वो भी पता लगेगा क्या है। ये भी एक हमारी लाइफ में जुड़ा हुआ है जिन दोपरे, और बहुत ही प्यारी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। और मैं इस चीज़ से रिलेटेड अगर किसी को हेल्प चाहिएगी मैं इसका भी बताऊँगा क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, तो मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगा। किसी ने ग्रुप ज्वाइन करना है, राइडिंग करनी है, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप प्रोफेशनली राइडिंग कर सकते हैं। उस चीज़ में हर एक राइडिंग से रिलेटेड हर एक चीज़ आपको मैं हेल्प प्रोवाइड करवाऊंगा फॉर श्योर। मैनेजर का फ़ोन ना है कि भाई कहाँ रह गया, मैं कहूँगा अरे भाई अनिल भाई आ गए आ गए। एंड जितने भी दिल्ली से हैं, दिल्ली के आसपास वाले हैं, मेरठ दिल्ली यूपी, मतलब यहाँ ये वाली रोड को तो अच्छे से जानते ही होंगे। एंड हाँ गाइस यार मैंने ना अभी इसका जो पिछला वाला जो टायर है रियर टायर
वो बार बार एक ही जगह से ना बार बार पंचर हो रहा था, और आपको सभी को पता है तो एक्टिवा ट्यूबलेस में होती है, तो वो एक जगह से जहाँ से बार बार पंचर हो जा रहा था, तो उसमें क्या हो रहा था कि जितने भी पंचर लगवा लो वो फिर द्वारा खुल जाता था। तो मैं बड़ा परेशान, मैं क्या टायर अभी भी बिल्कुल नया है, और रैल्को का है यार मेरे पास जो टायर है वो 110/90/10 है, एंड पीछे वाला का ना मैंने बड़ा टायर डलवा रखा है। इस वाले हाईवे पे ना बाइक्स अलाउड नहीं है। पीछे वाले टायर में अभी कुछ टाइम के लिए मैंने सिर्फ अभी ट्यूब डलवाई है, ठीक है, और हो सके ना अब गाइस मेरे को एक बढ़िया रेडियल टायर चाहिए मुझे। अगर किसी की जानकारी में रेडियल टायर एक्टिवा के लिए 5G के लिए 2018 मॉडल है तो मुझे प्लीज़ DM मुझे कमेंट करके बताना, मैं कॉन्टेक्ट करूँगा उनसे, क्योंकि इसके टायर मुझे बदलवाना है एंड कुछ मॉडिफिकेशन भी करूँगा अभी। और अब तो पिछले 4-5 सालों में नहीं करी मैंने, बट अब करने वाला हूँ। अब सीरियस जो मुलाकात होगी इसलिए ऑफिस में होगी, मिलते हैं। सर अभी मैं ऑफिस में हूँ। कैसा, कहाँ, मैं इतने दिन कहाँ था कहाँ नहीं था, जो बीच में गैप है ना वो गैप के बारे में भी मैं उनको बताना है। तो यार मैं हूँ रिजाइन पीरियड पे, और कुछ टाइम तक मैं इसलिए अवेलेबल नहीं था, मेरी जॉब स्टडी दोनों ही चल रही थी। अब स्टडी किस चीज़ की चल रही थी, इससे अब जो नेक्स्ट व्लॉग होएगा उसमें आप देखना, ये शायद मैं इसी व्लॉग में भी डाल दूंगा। और भाई शर्मा गया, ये भी भाई अब काम कर रहा कलीग है, और इसको भी कुछ स्टडी से रिलेटेड हेल्प है, तो मैं यहाँ से उसको बताऊंगा आने वाले टाइम में। ऑफिस के अंदर होना तो समझ सकते हो ना, यहाँ पे ज़्यादा बकचोद मतलब ज़्यादा वीडियो शीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता। मेरा जो यहाँ पे रिजाइन है कुछ ही दिनों में, 10 दिनों में, चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगा, फिर आगे नई जिंदगी की शुरुआत होगी। बट हाँ, एक नया सरप्राइज़, बिग सरप्राइज़ आने वाला है, वो कि अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि किसी को भी नहीं बताना चाह रहा मैं। स्टडी से रिलेटेड है बट अच्छा है, वो आपको वीडियोस में भी देखने को भी मिलेगा, समझने को मिलेगा, और बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली हैं अपने चैनल पे। इन 8 महीनों में जो गायब था उसके अंदर जो मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करी बट मैं डाल नहीं पाया, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो हो सकेगा कोई थोड़ी सी ठंडी की होगी तो मैनेज कर लेना। कुछ मैंने बीच में वीडियोस आपको कैमरे में भी अपग्रेड दिख रहा होगा, तो ये कौन सा कैमरा है ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, सारी चीज़ें आपको पता लगेगी। लेकिन मैं कहूँ आप, हम फ्लैशबैक में जाएंगे, फ्लैशबैक से सारी वीडियोस वन बाय वन करके मैं डालता रहूँगा, आपको दिखाना बनता है जो मैं बना रहा हूँ, रिकॉर्डिंग्स जो कर रहा हूँ। शाम को निकलेंगे थोड़ी देर में, अभी ऑफिस से जाने वाला टाइम हो गया और मेरी ना ब्रेक ख़त्म हो गई है, तो ये चक्कर था मेरा। ये भैया हमारे यहाँ के चश्मा पहन देते हैं। ओके भैया, राम राम। और अपनी स्कूटी ये खड़ी, भाई चलते हैं। और ये उसके बाहर ये पार्क है, आठ जा ही नहीं पाया, बंदे तो नहीं मिल गए, ब्रेक के टाइम बातें होने लग गई, तो फिर टाइम ही नहीं मिला था बाहर आने का। मैं कहा चलो यार अब क्या ही करें, ये अपना ऐसा कुछ ऑफिस है, अभी कहाँ है ये तो नहीं बता सकते, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। दादा रुक के देख रहे थे, तू जूलियट चट दी नी आए नी जट्टी है पंजाब दिए। क्या कह रहा है, कोई गाड़ी है हर, हाँ मैंने मैंने भी यही देखा भाई, हर दिन किसी का रिबन कट रहा होता है, तालियां बजी होती है भाई, नेक्सॉन टियागो अल्ट्रोस भाई, नेक्सॉन बहुत ज़्यादा निकल रही है यहाँ, ये तो मैंने भी सही करा नोटिस करा, नेक्सॉन बहुत भाई, मतलब हर मतलब यार बहुत बड़ी बात है यार, हर दिन हमारी कोई चीज होती है ना, वो भी गाड़ी की है? कार की, वो भी यार इतनी जल्दी, अरे किसी शोरूम की अगर बाइक की भी सेल होती है ना वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, हर दिन हो रही है बाइक की सेल, देख लो यहाँ मतलब अच्छा खासा है, हाँ जनरेट हो रहा है सच्ची में, सेल इसकी अच्छी है, गर्मी लग रही है जैकेट में, आदत पड़ गई यार अब तो, मतलब नॉर्मल सा लगता है बल्कि सही है यार, अभी तो ठीक है पर पता क्या होता है ना, धूप होती है, धूप को बड़ा अजीब लगता है यार, अजीब लग जाती है सुबह, बट वो ये कि जब तुम पहनते रहोगे ना तो यूज्ड टू हो जाओगे,
फिर आदत ही पड़ जाती है, फिर क्या ही है? इसका हैसल बहुत गंदा है, बैटरी हैंग हो जाती है, फिर दोबारा इसको बैटरी निकालो, फिर बैटरी लगाओ, फिर करो। कहाँ जाना है, कोई दिक्कत हो गई? राय खाले कहाँ जाना है आपको? भोगल जाना है भैया? इसी पे ऊपर चढ़ जाओ। नहीं नहीं, जाऊंगा तो ऊपर, पर मेरे को सीएनजी भी लेने, गैस लेने, तो यहाँ से गैस मिलूंगा। हाँ सीएनजी तो है। हाँ हाँ, यही रोड ना बिल्कुल सीधी जा रही है। ओखला भी जाना ना, यही आगे सीएनजी मिल जाएगी। इसी रोड पे ये जो सीधा चल रही है ना, इसी को सीधा सीधा ले जाना, बिल्कुल आगे जाके ऐसे यूं मुड़ेगी सड़के, उल्टे हाथ पे सरायखाले आ जाएगा, फिर वहां से आपका ओखला का रास्ता है। मतलब इसे लोकल थाना से कोटला में अंदर जाना है तो मैं जानता हूं, ये मोल फोर लाइन को मालूम है पूरी। हाँ कहीं भी गुड़गांव दिल्ली में, हाँ कहीं पे भी चले जाओ। इसको पता कर लिया, भोगल किधर पड़ेगा, बिल्कुल वहीं जा रहे हैं। ये मतलब क्या वीडियो बना रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये तो हम जैसे सड़क पे चलते हैं ना, तो यातायात की बनाती है। हाँ वो भी रहता, अपनी सेफ्टी भी रहती है, साथ के साथ लोगों को भी दिखाते रहते हैं। जॉब भी हम भी काम करते हैं। आप हमारा सर्च मारेंगे ना, ये देखो यूट्यूब निकालो, यूट्यूब जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो ऐसे हम भी वीडियो बनाते हैं इसी में ही। ये ऐसे करो, ये दिखाओ, SSA वीडियो आएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी डाल देंगे। ये मेरा सबसे पहले ऊपर ही आ गया, ये आपका है? हाँ जी ये है। हाँ जी है? ये कहाँ का सीन है? ये लद्दाख। लद्दाख गए थे? हाँ जी गए। गए हो कि कैसे? हम गाड़ी चलाते थे छह टहरी। अच्छा, चंडीगढ़ से कहाँ का है सीन? कहाँ का है ये जोजीला पास। हाँ जोजीला पास, कचड़ा ऐसा वो रहता, कंकड़ पत्थर और सब कीचड़ एकदम, मिट्टी बहुत चिकनी रहती है। हाँ 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 हाँ, ये यही गाड़ी लेके गए थे, इसको लेके गए हम। कोई मदद ऐसी हो जाए, मतलब मैं एक सेकंड में गाड़ी खरीदना चाह रहा हूँ। हाँ बढ़िया गाड़ी चाह रहा हूँ। कौन सी? टू व्हीलर? या मेरे को सफर अच्छा लगता है, फोर व्हीलर तो अपना कहाँ। फोर व्हीलर, टू व्हीलर अपना आराम से अच्छा निकल जाता। यहाँ से निकलते हैं आगे। भाई रिएक्शन तो बहुत मिलते हैं। अब ये देखा ना पीछे दो लड़कियां भी देख रही थी। बड़ा यार, फिर ग्लव्स पहनना भूल गया मैं। और हाँ गाइस, मैं बहुत जल्दी एक बहुत बड़े, जिंदगी में जो कभी सोचा करते थे ना यार कि मैं कभी ऐसा करूँगा तो वो हो भी रहा है। तो यार मैं बिलीव करता हूँ मैनिफेस्टेशन में, और आप भी करा करो, और जो आपको चीज़ मतलब जो चाहिए उससे रिलेटेड आप मैनिफेस्ट करेंगे ना तो वो आपके पास ज़रूर आएगी चीज़। हमेशा जितने आप भी बोले, सब जो भी बोलो आप, सिर्फ अच्छा वर्णन करो, अच्छी बातें बोलो। समझता हूँ गुस्से में आ जाते हैं, या कई बार हम बोलते थे मजाक में यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ऐसा भी मत बोला करो, या फिर मेरे पास वक्त नहीं है, जो ऐसा बोलते ना, कहते ना मुँह पर सरस्वती बैठी रहते हैं। हमेशा अच्छा बोलोगे तो क्या पता उस अच्छे में से एक बार जब भगवान बैठे तो आपकी हेल्प ही हो जाए। इसलिए कहता हूँ कि अच्छा करा करो, अच्छा अच्छा सोचा करो, सभी का अच्छा सोचो, अपना भी खुद का भी, तो अच्छा तो होना ही है। तो जूलियट चटनी दी आंटी जी कैसे देख रही थी यार? एंड रिजाइन क्यों दे रहा हूँ, इसकी भी वजह आपको एग्जैक्टली जो प्रॉपर वाली है वो आगे जाके पता तो लगेगी मैं क्यों ही दे रहा हूँ। थैंक यू भाई कि यार नहीं नहीं लो भाई जाओ कोई दिखाओ नहीं, वैसे भी यार करनी नहीं चाहिए यार, सेफ्टी है। कहीं कहीं गलती से वायरल ना हो जाए। दिखा दो भाई, स्कूटी बंद नहीं भाई, नहीं अभी भाई भाई का नंबर नोट कर लेंगे। भैया ये चैनल है SSA फिल्म। मैं स्कूटी सुपर बाइक सबके साथ हूँ मैं, इसके साथ अभी लद्दाख सब कुछ होके आया, अभी और हैं देखना। थैंक यू ब्रदर, मिलके अच्छा लगा। सारे ना ऐसे मिलते रहते हैं, अच्छा लगता है यार। भाई दिल्ली नंबर है भाई, भी भाई को घबराहट हो गई थी, कह रहा कैमरा लगा रखा, आगे नहीं जाऊंगा।
ऐसे लोग प्यारे प्यारे मिलते रहते हैं यार, अच्छा लगता है। इस वीडियो में मैं इसलिए आया हूँ आपको बताने के लिए कि हाँ आई एम बैक, मैं आ चुका हूँ। और इस बस सॉरी यार आई एम बैक भी नहीं बोलना चाहिए, प्रवा तेरी, क्योंकि यार मैं कहीं गया ही नहीं था, मैं कहीं गायब नहीं था। मतलब हम इंडस्ट्री में थे, यूट्यूब पे थे, थोड़ा सा हमने ब्रेक ले लिया था अपने आप से, सबसे हर एक चीज़ से, तो इसलिए रुक गया था यार। जैसे आपको अगर ये वीडियो हल्की सी भी थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने भाइयों के साथ, और मैं वीडियो ये बहुत ही जल्दी डालूँगा। यार निकाल लेनी चाहिए थी यार, किसी अच्छी लगे तो यार प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करा करो, अपने भाई बहन बंदी बंदी सब सब के साथ शेयर करो, फैमिली वैमिली, अच्छा लगता है यार। एटलीस्ट पता क्या होगा कि यार देखो मैं इसलिए शेयर करने के लिए बोलता हूँ ताकि जो एल्गोरिदम है और जो मेरा कंटेंट है आपको अच्छा लग रहा है, आपके चेहरे पे स्माइल आ रही है, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा भी एंटरटेनमेंट आता है आपके चेहरे पे, ठीक है, मतलब एंटरटेनमेंट हो जाता है आपके लिए थोड़ी देर के लिए, तो मेरे लिए सक्सेसफुल है। मैं सक्सेसफुल उसी चीज़ को मानता हूँ कि किसी का थोड़े पल के लिए, देखो पता क्या लाइफ में ना बहुत सारे दुख हैं, बहुत कुछ है, अब मैं वही दुख को बताता रहूँगा और अपने भी नहीं यार, लोगों के पास इतना ही दुख है, मैं अपना दुखड़ा सुनाऊंगा तो यार आप भी यार डिप्रेस होंगे, तो मैं वो चाहता नहीं हूँ। तो यही चाहता हूँ कि आप भी खुश हो, हम भी खुश रहते हैं और खुशियाँ बांटते हैं यार, सारे खुश रहेंगे तो यार अच्छा ही रहेगा, अच्छे रहो, चंगे रहो, बढ़िया रहो, चढ़ती कला बख्शे बाबा जी। हम वीडियोज़ बनाते रहेंगे, आपको पता करना है क्या, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, जय हिंद, वंदे मातरम, मिल दे, लव यू ऑल।